पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, हमने सामान निकाल लिया और अभी हम ट्रॉली का वेट कर रहे हैं। हाँ ये भी है, ये भी है, रूबा कह रही है ये भी है, ये सारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक हो गया आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और एक जबरदस्त व्लॉग के अंदर। जो मैं जबरदस्त कर दी थी वो ये वाला व्लॉग था। आज मेरी फ्लाइट है दुबई की, तो मैं अभी बस तकरीबन 6:15 हो रहे हैं, अभी हम निकलने लगे हैं, गाड़ी में बैठने लगे हैं और एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं। तो मैंने कहा व्लॉग को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो वेलकम बैक, लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो अभी आई डोंट नो, लाइटिंग इफेक्ट थोड़ा अजीब सा आ रहा होगा, बट मैं अपनी खिड़की में आज आखिरी बार व्लॉग का इंट्रो कर रही, इसके बाद फिर मैं आगे वहाँ पे जाके कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। सो मैं बहुत मिस करूँगी अपनी इस खिड़की को। एनीवेज चलते हैं, बैग शेक रखते हैं गाड़ी के अंदर, उसके बाद फिर निकलते हैं, फिर एयरपोर्ट मिलते हैं। अभी हम बैग डालने लगे हैं गाड़ी के अंदर और उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, हमने सामान निकाल लिया और अभी हम ट्रॉली का वेट कर रहे हैं। हाँ ये भी है, ये भी है, रूबा कह रही है ये भी है, ये सारा, ये सारे नमूने आए हैं। तो अभी हम जाते हैं अंदर और फिर हम अभी फिलहाल हम ट्रॉली का वेट कर रहे हैं। मेरी ट्रॉली लेने गया है तो ट्रॉली लेके आता है, उसके बाद फिर हम जाएंगे। हाँ वो देखे ना, पागल की तरह घूमने जा रहे हैं। महिमा सलाम कर दो जाते जाते, बड़ी काली आ रही है वैसे। हाँ एनी वेज हम जाते हैं अंदर और चल लेगा ईशा, जाते जाते हाय कर दो। ओह माय गॉड। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन, क्या टाइम हो रहा है, 7:15 हो रहे हैं और मेरी अभी 10 बजे की फ्लाइट है। तो अभी खैर अभी तो नहीं जाऊंगी अंदर, 8 बजे तक अंदर जाऊंगी। मील के लादे के ट्रॉली वाके वाके लेके यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमील, आप ट्रॉली लेके आए हैं ऐसे। अभी इसके ऊपर लगाएंगे सामान और फिर अंदर लेके जाएंगे। भागता भागता बेचारा ट्रॉली लेके आया है। साढ़े 7 हुए और मैं सोच रही हूँ कि 8 बजे तक अंदर जाऊंगी, 2 घंटे फिर भी होंगे बैठने के लिए। तो अभी आपको सारों से मिलवाती हूँ जाने से पहले एक बार। वन एंड ओनली द लेजेंड रमील। तो रमील आपकी बहन जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़े से इधर आए जरा, आप खूबसूरत आ जाए थोड़ा। हाँ जा रही है, अच्छी बात है। और ये कि बाकी जा कामयाब हो, जिस मकसद के लिए जा रही है वो तेरा पूरा हो। आमीन। और वापस ना आई। नहीं पाकिस्तान ना आई। बता रहा हूँ। अब हम आते हैं मम्मा की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? आज मेरी बेटी जा रही है तो आप सब से है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को कामयाब करे और खुश रखे, और मैं तो ज़रूर मिस करूँगी, लेकिन कुछ बातें जो होती है वो आपको बच्चों की कामयाबी के लिए बर्दाश्त करनी पड़ती है। आते हैं मामी की तरफ, मामी आप क्या कहना चाहेंगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी जा रही है तो मुझे बहुत खुशी है, तो अल्लाह पाक से कामयाबी इतनी इतनी कामयाबी। आमीन। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें बहुत उदासी है, सब ने कहा बहुत हम इकट्ठे। तो अब इन दोनों से और नमूनिया तीन एक ही फ्रेम में आ गई हैं। अब हम आपको व्लॉग भी नहीं दिखेंगे, मतलब लेकिन कोई बात, आप सिर्फ मेरी शक्ल दिखेगी। तो आप जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे? जाओ और वापस ना। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान कहीं भी वापस आए, किसी भी हाल में वापस नहीं आना, वापस नहीं आना। तो आई होप फॉर द बेस्ट, अभी बस अंदर जाती हूँ, अंदर जाने से पहले फिर आपसे मिलते हैं, अभी तक चले जी। अब अभी जा रही है, टाइम टू लीव। चलो खैर से जाए, खैर से आए, कोई मसला नहीं। मम्मा तो रहने लगे 5 मिनटों में। अरे रोना नहीं है, अरे रोना नहीं है, रोना किस चीज का, पहले जाने के लिए तरह तरह से।
चलो जी देख लो। एनीवेज अभी अंदर जाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस ये आप रश देख सकते हैं, ये बहुत लंबी लाइन है, अभी जाते जाते मुझे अभी मिनट्स का टाइम लग जाएगा। तो अंदर पहुंचते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो अभी अंदर आ चुके हैं और अभी ये सिक्योरिटी वाली लाइन के अंदर है। सिक्योरिटी वाली लाइन इतनी लंबी है, अभी यहाँ से जाएंगे आगे तो फिर आगे दिखाती हूँ आपको। फाइनली गाइस मैंने बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया है और मैं वेटिंग एरिया में आके बैठ गई हूँ। अभी मेरे फ्लाइट को तकरीबन 1.5 घंटा है, तो मैंने सोचा कि अब आपको सारा कुछ बता दूँ। यार इतने चेक पोस्ट और इतनी लंबी लाइन, इतनी शदीद रश है ना आज। एनीवेज तो अभी मैं कुछ खाने जा रही हूँ, देखिए कुछ खाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक हैंड कैरी भी है, वो थोड़ा सा भारी है मेरे लैपटॉप की वजह से, तो उस वजह से मैं ज़्यादा कह रही हूँ चलूँ ना। फिर भी जाऊँगी, मैं पूरा घूमने लगी हूँ आहिस्ता आहिस्ता, अभी थोड़ा सांस लिया, इतनी लंबी लंबी लाइन में लग के आई हूँ। एनीवेज आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना। आप आने वाले सारे ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो अभी सीन कुछ ये है कि कुछ खाऊंगी, देखती हूँ कि क्या क्या है, एक्सप्लोर करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल करने लगी, नेशनल ट्रैवल भी, मैं एयरप्लेन में ही पहली बार बैठने लगी हूँ। तो अभी ये सारा प्रोसीजर मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया है, मैं सुपर एक्साइटेड भी हूँ साथ ही नर्वस भी हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम प्लेन का सफ़र करने लगी हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे बस सेफली वहाँ तक पहुँच जाऊँ अपने डेस्टिनेशन तक। तो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं, पहले घर वालों को बता देते हैं वेटिंग एरिया का ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए, उसके बाद फिर कुछ खाने चलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ खाने के और ये है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट अंदर से, बाकी अभी मैं थोड़ा वहाँ जाऊँगी तो दिखाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ आगे और देखते हैं कि क्या क्या है खाने को, सोच रही बस कॉफ़ी पी लेते हैं और फिर बाकी तो जहाज़ में ब्रेकफास्ट हमें ले लेते हैं, अभी कुछ लेते हैं यहाँ से। ऑर्डर कर दिया है और यहाँ से कॉफ़ी की है, कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी, और ये है इसका नाम सारा। और बाकी अभी आगे जाती हूँ, फिर आपको आगे भी दिखाती हूँ पूरा एयरपोर्ट। मैं भी अभी पहली बार एक्सप्लोर करी हूँ और आप भी पहली बार शायद देख रहे हो और बहुत से लोगों ने अभी देखा भी होगा, बट अभी कॉफ़ी आती है और उसके बाद थैंक यू। एक कॉफ़ी शॉफ़ी आ गई है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको भी बताते हैं क्या सीन है इसका। अभी मेरी हालत थोड़ी सी उजड़ी भी होगी बट कोई नहीं, इग्नोर कीजिएगा। ठीक है जी, हम इसको जल्दी जल्दी मुकाते हैं फिर बात करें। सो फाइनली अभी मैं जा रही हूँ अपने गेट के ऊपर जो कि मेंशन था A5। अभी ढूंढते हैं कि यार वो है किधर, मैंने वैसे पूछा तो था सिक्योरिटी से कि वो किधर है, बाकी यार ये सामान मुझे उठाना पड़ रहा है थोड़ा मुश्किल है, बट एनीवेज चलते हैं हम A5 पे। आपको दिखाती हूँ सारा, ये है अंदर से और बाहर से भी आपको दिखाती हूँ, ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ये सारा है। और मैंने सोचा था कि मैं अंदर आके KFC खाऊंगी, बट यहाँ तो KFC है नहीं, बट फिर मैंने कॉफ़ी से ही गुजारा किया तो बस ऐसा ही है सीन। अभी आपको दिखाती हूँ A5 पहले ढूंढ लेना और उसके बाद दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स भी खड़े हुए हैं, आपको वो भी दिखाती हूँ। बाकी अभी तक एयरपोर्ट ये है एयरपोर्ट और ये जहाज है सारे जहाज, ये हैं सारे जहाज। अभी जाते हैं दूसरे वाले अपने गेट के ऊपर, इतनी रश है आज, इतनी रश है, मुझे लगा था सुबह रश नहीं होगी
बट नहीं गई, सुबह भी उतनी ही रश है। हम भी देखिए लाइंस लगी हुई है लोगों की, और ये हैं जहाज सारे। अभी मैं ये देख सकते हैं, ये है एमिरेट्स का एंड वो सऊदी है। तो अभी हम जाते हैं A5। अभी हम A5 पहुंच चुके हैं और वो खड़ा हुआ है एयर ब्लू। मुझे जाना है एयर ब्लू के अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, ये काफ़ी थोड़ा भारी बह गया। बाकी आपको सब दिखाती हूँ, बैग से दिखाती हूँ, ये सारे खड़े भी हैं। लेट्स गो कि देखते हैं क्या सीन है आगे। मैं काफ़ी ज़्यादा बैग काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा थक गई। तो अभी ये A5 आ चुका है, अभी देखते हैं नीचे जाके बैठ जाएंगे वेटिंग एरिया में। यहाँ से जाते हैं हम नीचे और फिर बैठ जाएंगे। वो है मैं फाइनली वेटिंग एरिया में आ चुकी हूँ, और वेटिंग एरिया ये देखिए बिल्कुल हालात फुल हैं, वो जहाज हैं। अभी बट टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम रहता है तकरीबन 45 मिनट। फाइनली अब हम जा रहे हैं जहाज में, आपको दिखाते हैं सब, और अभी अंदर जाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। हम जहाज में बैठ के और मुझे थैंक गॉड शीशे वाली जगह मिली। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ। मैंने सीट मिल ली है और बस इस बात में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट अभी देखते हैं साथ सीट पर कौन आके बैठता है, कोई ऐसा है जिससे मैं बातें करती हूँ और टाइम पास हो जाए अच्छा सा। एंड मीन्स अभी जहाज भी फ्लाई नहीं किया तो अभी वो करेगा, फिर हम बाहर जाके इंशाल्लाह पहुँच के मिलते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वॉशरूम में आई हूँ ये चेक करने के लिए कि वॉशरूम कितना छोटा या बड़ा। मैंने सुना था जाकर वॉशरूम बहुत छोटा होता है, और वही बात है, वाकई ही बहुत छोटा है। और ये है जहाज का वॉशरूम, और मैं स्पेशल उठ गया, ये दो बंदों को अपने साइड से उठाया गया जो वॉशरूम और सिर्फ ये देखने के लिए। एनीवेज हम वापस चलते हैं और जाके बैठते हैं, बस मैं वॉशरूम देखनी है। कौन चंद मेरे बिल्कुल बंद हो चुके हैं और अभी तकरीबन घंटा भी नहीं हुआ, अभी बहुत ज़्यादा सफर रहता है। वाटी वर्ल्ड टेबल अबू धाबी के मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:45 पहुँच जाएंगे। आगे रास्ते का मौसम साफ, अबू धाबी का मौसम भी साफ बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ लीड केबिन क्रू मनाजा के साथ ही आपकी खिदमत और देखभाल में मसरूफ होंगे और आप अपने सफर से मुतमइन होंगे। फेसबुक को अपना सफर मुतारफ करने का शुक्रिया और आपकी दो जगह बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, assalamu alaikum and a very good morning to you. This is your captain for the flight deck. On behalf of my entire crew and myself, I welcome you on board air to flight A230 from Islamabad to Abu Dhabi. After taking off from Islamabad, we turn to... लगेज कलेक्ट करने आ गए और आई थिंक सो अभी तक नहीं आया बैग। बैग आता है तो फिर उसको उठाते हैं, वहाँ से आ रहा है वो बैग, वहाँ से ट्रॉली ले आते हैं। तब तक हमने लगेज कलेक्ट कर लिया, जाते हैं
बाहर। तो अब बाबा तो उम्मीद है आगे आए भी होंगे। लक्ष्मी I don't know, भी तो नहीं जो नजर आई वहाँ पर भी नहीं है। देखते हैं कहाँ पे हैं। अरे जाते हैं अभी भाई, शायद भाई ना खड़े हो। अभी तक यहाँ पे भी नहीं है। आई डोंट नो कहाँ है, कोई से टर्मिनल पे खड़े भी हैं कि नहीं, या वो किसी और में ना खड़े। अरे अभी तक तो मुझे नहीं मिले, अभी मिलते हैं तो फिर देखते हैं। मैं कमरे में आ गई हूँ और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, अभी थोड़ा सा चार्ज करने के बाद मैंने कहा ख़त्म कर दूँ। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट व्लॉग के, तब तक के लिए इतना बहुत सा ख्याल रखिए। हाफिज़।